सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। देखिए, हम डेस्क वर्क को कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माध्यक, क्योंकि माध्य, माध्यक और बहुलक से संबंधित 100% एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो खंड स से हमारा जो क्वेश्चन है दिया हुआ है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की भार दर्शा रहा है। ये आपको भार किलोग्राम और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। पूछा है विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको किस ढंग से निकालना है, बहुत ही सरल है। तो इस क्वेश्चंस को मैंने यहाँ ले लिया है। देखिए, माध्यक निकालना है, बार किलोग्राम और विद्यार्थियों की संख्या कंटिन्यू दे रखी है। ये आपको सन से ही बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी माध्यक निकालने के लिए। तो उसके लिए देखिए, बार किलोग्राम मैंने एज इट इज लिखा है, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या इसको आप हमेशा एफ आई से प्रेजेंट करेंगे। बारंबारता को एफ आई फ्रिक्वेंसी से शो किया जाता है। फिर आपको तीसरा कॉलम अपने और से बनाना है कि सन से ही बारंबारता, जिसे हम सी एफ से प्रेजेंट करते हैं। ओके, अब भार और विद्यार्थियों की संख्या ये जो दे रखा है, मैं एज इट इज इसको फिलअप कर देता हूँ जल्दी से। तो देखिए, मैंने यहाँ पे भार किलोग्राम और विद्यार्थियों की संख्या जो प्रश्न में दे रखी थी वो सभी ऐसी कैसी लिखी है, इसमें कोई चेंज नहीं। अब आपको सन से ही बारंबारता यहाँ निकालना है। तो सन से ही बारंबारता निकालने के लिए बहुत ही ईजी है। देखिए, जो भी विद्यार्थियों की संख्या यानी दे रखी है बारंबारता, उसमें पहली पहली जो डिजिट है एज इट इज लिखना है। यहाँ तो 3 है, तो 3 का 3 मैं लिखूंगा। यहाँ जो भी संख्या दे रखी है आपको वो की वो संख्या लिखना है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट संख्या को जोड़ते जाना है, यानी 3, यहाँ पे 3 के बाद में कौन सी संख्या है, 5। तो इस 3 के अंदर इस 5 को जोड़ना है। कितने हुए, 3 और 5 8। ओके, अब 8 के अंदर ये 10 जुड़ेगा, यानी नेक्स्ट संख्या को जोड़ना है। 8 और 10 मिलके कितने हो गए, 18। ओके, अब 18 के अंदर संख्या जुड़ेगी 8, तो 18 और 8 मिलके कितने हो गए, 26। यानी नेक्स्ट संख्या आपको जोड़ते जाना है, 26 और ये 7 मिलके कितने हो गए, 33। और 33 और ये 4 मिलके हो गए 37। और 37 और 3 आ गया हमारा अंतिम 40। ठीक है, यानी सन से बारंबारता आपके कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ एन निकालना पड़ेगा। एन का मतलब है जो भी बारंबारता दे रखी है यानी विद्यार्थियों की संख्या, इसका योग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ मैं निकालूंगा सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई जो योग करोगे वो यही आएगा। हमेशा लास्ट जो यहाँ आता है वही डिजिट आप लिख सकते हैं या योग कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। अब देखिए, यहाँ पे 3, 5, 10, 8, 7, 4 और 3 सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40। ये जो सिग्मा एफ आई है वही आपके कैपिटल एन होगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कैपिटल एन। अब आपको माध्यक निकालने के लिए यहाँ माध्यक वर्ग को निर्धारित करना पड़ेगा। तो माध्यक वर्ग निर्धारित कैसे होगा, यहाँ आप लिखेंगे कि यहाँ एन बाय टू। देखो एन कितना है, 40। एन कितना निकाला आपने, 40, तो यहाँ लिखूंगा मैं कि 40/2। अब 40 के अंदर जब 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 20। ठीक है, तो यहां लिखना है 20 से ठीक बड़ी संशयी बारंबारता, संशयी बारंबारता। देखो यहां पे 3, 8, 18, 26, 33, 37 और 40 के अंदर देखना है कि 20 से जस्ट बड़ी संशयी बारंबारता कौन सी है। यहाँ जो भी आपकी संख्या निकलती है, यहाँ पे मेरे 20 निकला है, आपके जो भी क्वेश्चंस होगा उसका योग होगा यहाँ एन, और एन में 2 का भाग देंगे। तो यहाँ 40 के अंदर 2 का भाग दिया यानी आधा हो गया, और आधा आ गया हमारा 20, और 20 से ठीक बड़ी संशयी बारंबारता यहाँ ढूंढना है। तो 20 से ठीक बड़ी देखिए यहाँ 18 है, 18 के बाद में जस्ट क्या आ रहा है, 26। तो 20 से जस्ट बड़ी कौन सी हो गई, 26। तो 26 आपके आ गई संशयी बारंबारता, यानी ठीक बड़ी संशयी बारंबारता कौन सी है, यहाँ लिखना है 26 है। और इसके संगत आपको देखना है वर्ग अंतराल। इसके संगत, 26 के संगत वर्ग अंतराल है वो कौन सा है, 55 से 60। ठीक है, तो इसके संगत वर्ग अंतराल, इसके संगत वर्ग अंतराल जो है हमारा वो 55 से 60 है। यही हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। ठीक है, तो इसके संगत वर्ग अंतराल 55 से 60 है, अतः माध्यक वर्ग है वो क्या हो जाएगा, 55 से 60। ओके, यानी आपके माध्यक वर्ग आ गया। इसका मतलब यह है कि जो भी आपके आंसर आएगा,
वो 55 से 60 के बीच में आएगा, राइट। अगर इसमें 60 से ऊपर जा रहा है या 55 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर ऐसे भी गलत हो जाएगा। तो अब इसका आंसर निकालते हम माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे और वहाँ फॉर्मूले के अंदर सभी मान रखेंगे जिससे हमारा माध्यक है वो निकल के आ जाएगा। माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला है वो लिख के मैं बताता हूँ कि माध्यक बराबर होता क्या है। माध्यक बराबर होता है एल प्लस ब्रैकेट एन बाय टू माइनस सी एफ, यहाँ आप सिर्फ सी भी लिख सकते हैं और सी एफ भी लिख सकते हैं, बाय एफ ब्रैकेट इंटू एच। ये फॉर्मूला आपको लिख लिख के याद करना है अच्छे ढंग से। अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर सभी मानों को लिखना है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, एल। एल है वो क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जिस प्रकार से आपने बहुलक निकाला था और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ली थी, उसी प्रकार यहाँ पे माध्यक वर्ग और माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो क्या है, 55। ये ऊंच सीमा है, ये निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट, ठीक है। तो एल के स्थान पर मैं लिखूंगा 55, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो एन बाय टू, एन बाय टू और एन बाय टू आप पहले भी निकाल चुके हैं, कितना है 20, तो यहाँ पे मैं सीधा ही 20 लिखूंगा, 20। फिर माइनस सी एफ, सी एफ जो होता है वो बहु माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए माध्यक वर्ग है वो क्या है हमारे, 55 से 60। चाहो तो आप ऐसे लाइन खींच के इसको प्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। यहाँ देखो मैं इसको शो कर देता हूँ, ये हमारा माध्यक वर्ग वाला कॉलम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माध्यक वर्ग हमारा 55 से 60 है, इससे ठीक पहले वर्ग कौन सा है, 50 से 55। इसकी संचयी बारंबारता देखना है, तो संचयी बारंबारता कौन सी है, 18। तो यहाँ पे जो सी एफ है वो हमारा हो जाएगा 18। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ सी एफ के स्थान पर 18। बट्टा एफ, एफ है वो आपके माध्यक वर्ग 55 से 60 है, इसकी बारंबारता है, बारंबारता कितनी है, 8। तो यहाँ लिखेंगे हम एफ के स्थान पर 8। अब देखिए हमें लिखना है एच। तो एच क्या होता है, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल यहाँ से आपको मिल जाएगा कि 40 से 45, 45 से 50, यानी कितने कितने का यहाँ अंतराल चल रहा है, 5-5 का। तो यहाँ पे हम एच के स्थान पर लिख लेंगे 5, ठीक है। अब इसको सरल करना है और माध्यक निकल जाएगा। तो यहाँ 55 है वो एच डी लिख रहा हूँ, ऐसा का ऐसा। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 20 में से 18 गया, कितना बचा, 2 बाय 8 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए 55 को ऐसा कैसा लिख रहा हूँ मैं, 55 प्लस यहाँ पे 2 का गुणा 5 से कर दो, अंश का गुणा अंश से, 2 का गुणा 5 से करेंगे क्या आएगा, 10, 10 बटा 8, ठीक है। तो 55 प्लस 10 के अंदर 8 का भाग दे दो, तो 10 के अंदर 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 1.25, ठीक है। भाग देना आपको अच्छे ढंग से आता ही होगा। अब देखिए 55 और 1.25 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 56.25। ये हमारा आ गया माध्यक, अब ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस ढंग से आप माध्यक निकाल सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू।